का हार्ट बीट है ना, हाँ और वहां पे मछली भी रहती है। देखो यहाँ पे। उसके बाद से मुझे कोई मूवमेंट ही नहीं फील हो रहा था। आई वॉज सो वरिड, डर लग रहा था। फिर रात भर भी मैंने ऐसे ही डर डर के काटा, रात भर मैं सोई नहीं। सुबह तो डॉक्टर ने बताई पहली गुड न्यूज, तीसरी गुड न्यूज और मेन गुड न्यूज, मेरे बेबी का वेट बढ़ गया है। तो ये था मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। और हाँ, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरा बेबी का वेट 12 दिन में आधा किलो बढ़ा? इतने डे आप लोग देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ये ना बॉय आएगा, आपने बोला गर्ल आएगा। आई फील माई वॉन्ट लिटल बिट गर्ल, ओनली लिटल बिट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज करिश्मा और आज का व्लॉग बहुत अर्जेंसी में बना रही हूँ, क्योंकि मैं निकल रही हूँ एक अर्जेंट अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। और उसका रीज़न ये है कि मुझे कल से बेबी का मूवमेंट बहुत कम फील हो रहा है। जो बच्चा सुबह दोपहर शाम मूवमेंट करता था, उसका मूवमेंट बहुत कम है कल से, हार्डली एक दो बार फील हुआ है। तो आई एम रियली वरिड, रात भर मैं सोई नहीं हूँ, बहुत टेंशन थी। अभी बस सुबह होते ही मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया है और जल्दी से जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। एक्चुअली मेरा मेन कंसर्न पता है क्या है, मुझे पता है बेबी इज़ फाइन, बिकॉज मैंने जब उसको पोक किया तो आई गेट रिप्लाई, बट वो बहुत बहुत लिमिटेड था। मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हूँ। रीज़न इज़ जो मेरी लास्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग बेबी के नेक के पास जो है वो लूप लूप नहीं था, अम्बिलिकल कॉर्ड पड़ा हुआ था। अभी वही है कि घूमते घामते कहीं उसने फंसा तो नहीं लिया या कुछ और इशू तो नहीं है, तो बस उसको देखने के लिए मैं जा रही हूँ। हालांकि मुझे आज नहीं जाना था, मेरी जो डेट थी वो 2 मई थी, तो मैंने 2 को छोड़ के मैंने खुद से सोचा हुआ था सैटरडे जाऊंगी, तो सैटरडे वहाँ पे डॉक्टर को भी दिखा दूंगी साथ के साथ। लेकिन अब मैं सैटरडे तक वेट नहीं कर पाऊंगी। टुडे इज थर्सडे, इट्स मॉर्निंग टाइम एंड आई एम गोइंग राइट नाउ। जो भी होता है सब कुछ कराने के बाद आके आपको अपडेट देती हूँ। बस मेरी कैब आ गई है तो अब मैं जा रही हूँ। एंड प्लीज़ प्रे कीजिएगा सब कुछ ठीक हो, कुछ भी गड़बड़ ना हो। और आई थिंक मेरा ये 34 वीक शायद चल रहा होगा। लास्ट मैंने 32 वीक में अल्ट्रासाउंड कराया था, जो आपसे शेयर किया था 10-12 दिन पहले। तो चलो मैं चलती हूँ, अभी आपसे बाद में मिलती हूँ। और ये व्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा देखने के लिए कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है नहीं है। एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी, थैंक यू। तो अभी हम बस पहुंच गए हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। गुड़गांव में ही हूँ मैं, ग्रीन लीफ करके ये एक लैब है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करा के और उसके बाद मैं जो है फ्री होके थोड़ा सा घूम रही हूँ मार्केट में। मुझे शॉपिंग भी करना था, थोड़ा सा कुछ लेना था और मुझे मेडिसिंस भी कलेक्ट करनी थी। तो उसके बाद अपोलो जाके वहाँ से मैंने अपना मेडिसिंस कलेक्ट किया। एंड देन आई फील वेरी हंग्री, एज़ यू नो दैट आई एम वेरी वेरी फूडी। एंड जब भी मैं बाहर जाती हूँ कुछ ना कुछ खाने का मन तो कर ही जाता है मेरा। तो बस मैंने ये खाया और बेबी का जो है हेल्थ वगैरह सब कुछ ठीक था, मैं सेटिस्फाइड थी, इसी वजह से मैंने ये जो है खाना पीना सब किया। अदरवाइज़ तो मेरा सारा टाइम स्ट्रेस में चला जाता, मैं सुबह तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। बट येस, आफ्टर अल्ट्रासाउंड, आफ्टर वॉचिंग माई बेबी एंड हार्ट बीट वगैरह सुन के थोड़ा सा ना इट्स अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन एक्चुअली जो मिल जाता है। यहाँ पे ये बर्गर नहीं खा रही हूँ मैं, कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, टैको समथिंग है जिसमें लेट्यूस है और अनियन है और साथ में कुछ मसाला जो है मिक्स है, तो काफ़ी टेस्टी था। फर्स्ट टाइम ट्राई किया मैंने, ये बर्गर किंग का है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू आर फैन ऑफ ईटिंग यो, सो इट्स अमेजिंग। एंड देन जाते जाते मैंने ये समोसा चाट पैक कराया, एक अपने मदर इन लॉ के लिए और एक मेरे लिए, दिस इज़ समथिंग न्यू, तो मैंने कहा चल पैक करा लेते हैं। घर जाके ये खाया, उसके बाद भूख तो लगी नहीं थी, फिर सो गई थोड़ी देर, शाम को उठ के अपना थोड़ा सा फिर भी लंच किया, क्योंकि मेरी आदत है मैं बाहर का भी खाती हूँ तो मैं घर का भी छोड़ती नहीं हूँ, थोड़ा ही सही बट मैं खाती ज़रूर। तो ये घर का खाना मैंने खाया, थोड़ा सा लंबा है, देखो दिखाओ, बेबी का हार्ट बीट है ना, हाँ, और वहाँ पे मछली भी रहती है। देखो यहाँ पे मछली है ना, कहाँ पे, यहाँ पे ब्लू कलर, अच्छा ये मछली है, हाँ। अच्छा समझ में आ रही है आपको रिपोर्ट, हाँ। कहाँ है बेबी, बॉय है गर्ल है, मुझे दिख रहा है बॉय है, बॉय है, हाँ, पर अगर वो बाहर आएगा ना तो वो गर्ल दिखेगा, बाहर आएगा तो गर्ल दिखेगा, ये क्या है मुझे भी नहीं पता, और ये आई डोंट नो दिस। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड मैं आ गई हूँ अल्ट्रासाउंड करवा के और बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज़ है आपके साथ शेयर करने के लिए। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। एंड यू हैव सीन लाइक आफ्टर अल्ट्रासाउंड मैं गई थी मार्केट, वहाँ से कुछ शॉपिंग किया, बेबी के लिए भी कुछ शॉपिंग किया, मैं भी दिखाऊंगी न्यूज़ को आपको बाद में दिखाऊंगी, अपने लिए भी एक शॉपिंग किया मैंने, सूट खरीदा, आपको दिखाती हूँ। एंड दिस इज रियली रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा कुर्ता है।
इसके अलावा मैंने क्या किया, खूब खाया पिया ऐश किया और घर वापस आ गई। अब आते हैं रिपोर्ट के ऊपर। मेरे साथ हुआ क्या था, मैं शेयर करती हूँ आपसे। जनरली क्या होता है ना, मुझे एवरी मॉर्निंग मैं जब उठती हूँ, उठने के साथ साथ मैं 7 बजे मैं उठती हूँ, मितांश को स्कूल भेजने के बाद, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद, झाड़ू बर्तन करने के बाद 10 बजे के करीब मैं फ्री होकर बैठती हूँ, ज़रूर बैठती हूँ। और जब मैं बैठती हूँ उस टाइम मुझे रोज़ मूवमेंट फील होती है अच्छी खासी, मतलब हिलती डुलती प्रॉपर मूवमेंट मुझे फील होती है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उस टाइम को। बट सडनली पता नहीं क्या हुआ, कल मेरे को हियरिंग अटेंड करना था तो मैं बैठी नहीं एक्चुअली एक तो। दूसरी चीज़ पे जब दिन में मैं बैठी, मतलब रेस्ट करने आई मैं 3 बजे के करीब, उसके बाद से मुझे कोई मूवमेंट ही नहीं फील हो रहा था। आई वॉज सो वरीड, और मुझे शाम तक होते होते मेरी टेंशन और बढ़ गई, मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, हो भी रहा था लाइक ऐसा जैसे कि हिचकी किया बेबी ने, बस उतना ही मूवमेंट फील हो रहा था, तो बहुत डर लग रहा था। फिर रात भर भी मैंने ऐसे ही डर डर के काटा, रात भर मैं सोई नहीं। सुबह जैसे ही उठी मैं 6 बजे उठ गई टेंशन में, और मैंने 7:30 मिदांश गया था, उसके बाद अपना काम वाम निपटा के जल्दी से अपॉइंटमेंट बुक की और मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई। तो डॉक्टर ने बताई पहली गुड न्यूज़ कि मेरे बेबी का जो है हेड फिक्स हो गया है। हेड फिक्स हो गया इसका मतलब यही है कि अपने नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बन जाते हैं। दूसरी चीज़, जो ब्लड फ्लो का इशू आ रहा था वो भी ना के बराबर है, थोड़ा बहुत है उतना चलता है, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये थी दूसरी गुड न्यूज़। तीसरी गुड न्यूज़ और मेन गुड न्यूज़, मेरे बेबी का वेट बढ़ गया है और एज कम्पेयर टू लाइक 33 वीक चल रहा है मेरा और अकॉर्डिंगली वो ठीक है। तो बेबी का वेट जो आया है, आई विल शो यू एवरीथिंग राइट हियर। एंड बेबी का वेट जो आया वो आया 23, वेट लेट मी चेक, 2384 ग्राम्स, प्लस माइनस 367 ग्राम्स है हालांकि। तो अगर मान लो मैं माइनस भी कर देती हूँ 367 ग्राम, तो भी 2 kg प्रॉपर वेट है उसका अभी भी, ठीक है। और अभी मेरे 3 हफ्ते और, मान लो 36 वीक के बाद ही मैं डिलीवरी करवाऊंगी, 33 वीक चल रहा है, 3 हफ्ते में कम से कम नहीं तो आधा किलो तो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो मैंने लास्ट अल्ट्रासाउंड कराया था वो 22 अप्रैल को कराया था और आज है 4 मई, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 22 और 8, 8, 12 दिन में आधा किलो वेट गेन किया है मैंने। तो जब 12 दिन में आधा किलो कर रहा है तो 20 दिन में 700-800 ग्राम आराम से करेगा आई थिंक। तो मेरा वो कंसर्न जो है अभी मतलब ठीक हो गया, आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस। एंड अदर देन दैट सारी चीज़ें सही आई हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, AFI नॉर्मल है। शुरू से बताती हूँ रिपोर्ट पढ़ के। देखो फीटल हार्ट रेट आई है 158 बीट्स पर मिनट, नाइस। AFI 11 है, ठीक है। प्लेसेंटा इंटीरियर ग्रेड 2 है, नॉट नो लाइंग, कोई भी लूप जो है वो नेक में नहीं है। 33 वीक्स दिखा रहा है एज पर दिस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। एंड इसके अलावा और क्या होता है मेन चीज़ें, दैट इज इट। तो ये था मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। और हाँ, इस बार पिक्स वगैरह कुछ नहीं आया है, स्ट्रेस इतना था, मैंने बोला भी नहीं उनको, उन्होंने कोशिश भी की लेकिन उन्होंने बोला कि हेड इतना नीचे है कि वो उसका पिक्चर क्लियर आ ही नहीं पा रहा है, तो इस वजह से नहीं देखा। बस मैंने देखा सामने से, नोज देखा, लिप्स देखा, नीचे की तरफ से दिखाया था वो उन्होंने कुछ अलग तरीके से, तो बस उतना ही दिख रहा था। बेबी से मैं नहीं मिल पाई अनफॉर्चुनेटली, बट ही इज़ हेल्दी, ही और शी जो भी है वो हेल्दी है, तो आई एम सेटिस्फाइड, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ शेयर करती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरा बेबी का वेट 12 दिन में आधा किलो बढ़ा। लास्ट 15-20 दिन में भी 300 ग्राम बढ़ा था सिर्फ, राइट, और अभी 12 दिन में। रीज़न इज़ लाइक मैंने प्रोटीन बिस्किट्स खाने स्टार्ट किए हैं, जो कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में शेयर किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं कर दूंगी, जो कि है 13 बिस्किट्स, जो मैं रोज लेती हूँ, कम से कम 5 से 6 बिस्किट्स लेती ही लेती हूँ। दूसरा मैंने बनाना शेक इंक्लूड किया था ताकि दूध थोड़ा सा मेरे बॉडी में जाए। मैंने दूध पूरे 9 मंथ प्रेगनेंसी में 1 ग्लास भी नहीं पिया होगा, लिटरली 1 ग्लास भी दूध नहीं पिया मैंने। एंड बटर मिल्क मैं पीती हूँ हर 2-3 दिन छोड़ के। पिछले 15 दिन से ठंडी चीज़ें मैंने बंद कर रखी थी, दही का इंटेक मेरा बिल्कुल बंद था बिकॉज ऑफ कफ। अभी थोड़ा ठीक है खांसी, अभी खांसी थोड़ा ठीक है तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन दही का इंटेक मैंने बंद कर दिया था। उसके बदले मैं बॉयल्ड एग ले रही थी 2 डेली, कभी बॉयल कभी इन द फॉर्म ऑफ ऑमलेट। तो यही सब था, इसकी वजह से मेरा बेबी का वेट गेन हुआ है एंड नाउ आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी टू। आप लोग भी मुझे अपना अपडेट दे सकते हैं कि आप लोगों का क्या चल रहा है, कितने वीक्स हैं, क्या है बेबी का वेट, कुछ भी आपको टिप्स चाहिए जो आप मुझसे जानना चाहते हैं
या मुझे देना चाहते हैं तो मोस्ट 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 वेलकम टू यू इन माई कॉमेंट सेक्शन एंड आई वुड लव टू शेयर माई दिस जर्नी विद यू बिकॉज यू नो एक्चुअली होता क्या है ना इस टाइम पे आपको खुद से मन करता है चीज़ों को शेयर करने का किसी से किसी के साथ बांटने का और आप लोग जब कमेंट्स करते हो तो लगता है लाइक आई कैन कनेक्ट विद यू मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ आप लोग अपना समझ के ही मुझसे क्वेश्चंस करते हो और मुझे सजेशंस भी देते हो तो आई लव इट दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग माई व्लॉग्स कीप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस इज माई बेबी शक्ल नहीं दिखी आपकी इधर से घूम के बेड पे आओ तो आई होप आपको मेरे व्लॉग्स भी पसंद आ रहे हैं व्हाट आई ईट इन द डे आप लोग देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस इज माय बेबी बॉय जिसकी मैं बातें करती रहती हूँ आप लोगों से सो दिस इज इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सेम थैंक यू एंड बाय बाय आप झूठे बोल रहे थे ये ना बॉय आएगा आपने बोला गर्ल आएगा आई फील यू फील दैट वाज गर्ल या आई फील दैट वाज गर्ल इन द टमी यस एंड इन द फोटो देयर आर लुकिंग बॉय एंड इन द टमी गर्ल व्हाट डू यू वांट बॉय और अ गर्ल आई वांट लिटिल बिट अ गर्ल Only little bit. आपको boy चाहिए? Only little bit boy. And girl? Girl. He is a boy, so I want boy. How do you know that he is a boy? Because I have watched his photo. Look. It's a boy. Yes. Okay. ठीक है bye. Bye.